दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल को एक स्टडीज पे। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारत दर्शन सीरीज के अगले राज्य मिजोरम के बारे में। तो देखते हैं मिजोरम। सबसे पहले मिजोरम का नाम मिजोरम यहाँ की मिजो जाति के कारण पड़ा। मिजो जाति तथा ये मिजो जाति मिजो भाषा का इस्तेमाल करती थी, तो यहाँ पे मिजो भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो देखते हैं मिजोरम नाम मिजोरम जाति के कारण या मिजोरम भाषा के कारण पड़ा। तथा ये जाति ईसाई है, ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे ज्यादा हैं। लगभग 87% लोग यहाँ पर ईसाई हैं। तथा अगर आगे इसके गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन देखते हैं। भारत आजाद हुआ इस समय यह असम का एक जिला था। असम में था मिजोरम, असम का एक जिला था। धीरे धीरे इसे पूर्ण राज्य मांग बढ़ने लगी, तो फिर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया 21 जनवरी 1972 को। 1972 को मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा इसको बाद में राज्य का दर्जा दिया गया। इसको राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया। और 20 फरवरी 1987 के दिन भारत के दो राज्य बने गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के साथ मिजोरम भी भारत का नया राज्य बनाया गया। देखते हैं मिजोरम का नाम यहाँ की मिजो जाति है, मिजो लोग थे वो मिजो भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसका नाम मिजोरम पड़ा। जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग लगभग मिजोरम में 87% लोग ईसाई है। अगर इसके गठन की बात करें तो मिजोरम सबसे पहले असम का एक जिला था, और फिर इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 21 जनवरी 1972 को, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसको राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया। और इसके साथ दो अन्य राज्य गोवा व अरुणाचल प्रदेश को बनाए गए। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी भारतीय मैप के अनुसार स्थिति क्या है। ये यहाँ ये उत्तर पूर्वी राज्य है वैसे, ये लगभग यहाँ मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर। अगर बात करें ये त्रिपुरा, इनके पड़ोसी राज्य देखें तो त्रिपुरा, यहाँ मणिपुर है, मणिपुर यहाँ पर असम की सीमा लगती है। तथा अगर देशों की बात करें तो बांग्लादेश इधर है, इसके म्यांमार। फिर भारतीय मैप के अनुसार इसकी स्थिति देखें तो यह उत्तरी पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर राज्यों का एक भाग है। तथा अगर इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो 3 राज्य असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सीमा लगती है। तथा अगर देशों की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा साझा करता है। और आगे इनकी बात करें, पॉपुलेशन एरिया की बात करें तो यह भारत का एरिया की बात करें तो इसका एरिया 21,081 वर्ग किलोमीटर है। 21,081 वर्ग किलोमीटर है। तथा अगर एरिया रैंक की बात करें तो ये 23वें नंबर पे आता है। एरिया रैंक के हिसाब से मिजोरम की स्थिति 23वें नंबर पे है। अगर इससे बड़े राज्य की बात करें तो 3 सबसे छोटे राज्य जीएसटी गोवा, सिक्किम व त्रिपुरा। भारत के सबसे छोटे 3 राज्य जीएसटी गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इससे बात करें नागालैंड और मिजोरम, और ये एरिया रैंक में 23वें नंबर पे आता है। तथा अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी कम ही है मिजोरम की। मिजोरम की पॉपुलेशन की बात करें तो मिजोरम की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख है। तथा पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रैंक की बात करें तो पॉपुलेशन रैंक में ये 27वें नंबर पे आता है। इससे कम सिक्किम की पॉपुलेशन, सिक्किम के बाद सबसे कम भारत में अगर पॉपुलेशन बात करें तो मिजोरम की पॉपुलेशन है। तथा अगर यहाँ की डेंसिटी की बात करें, घनत्व की भी कम ही है, स्थान 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व। तथा इसकी साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। इसकी साक्षरता 91.58% है, जो भारत के केरल के बाद सबसे ज्यादा साक्षरता इसकी है। मिजोरम की सबसे ज्यादा साक्षरता भारत में केरल की है,
तथा केरल के बाद सर्वाधिक साक्षरता मिजोरम की है। तथा और आगे हम बात करें इनके लिंगानुपात की, तो मिजोरम का लिंगानुपात 976 है लिंगानुपात। तो मिजोरम का लिंगानुपात कितना है? 976 महिलाएं हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 976 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्तियों पर। और अगर इसके जिले की बात करें तो मिजोरम में कुल 8 जिले हैं, मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। तथा अगर आगे यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से ज्यादा धर्म है, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि ईसाई यहाँ पर सर्वाधिक है, ईसाई एंड क्रिश्चियन लगभग 87% यहाँ पर क्रिश्चियन है। तथा दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध है लगभग 8.5% बौद्ध है। तथा अगर हिंदू धर्म की बात करें मिजोरम में, तो हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 3% है तथा अन्य धर्म की लगभग 1.5% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो अगर मिजोरम के लिंगानुपात की बात करें तो 976 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्तियों पर, तथा मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। तथा धर्म की बात करें तो यहाँ पे ईसाई धर्म 87% है, बौद्ध धर्म 8.5% है, हिंदू धर्म 3% और अन्य 1.5% धर्म के लोग निवास करते हैं। तथा अब यहाँ की अगर पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करें, देखते हैं मिजोरम राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। तथा अगर यहाँ के सीएम की बात करें, मिजोरम के सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर तो जोरमथंगा जो किस पार्टी से, एमएनएफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट। तथा अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें, मिजोरम के गवर्नर, तो पीएस श्रीधरन पिल्ले हैं, मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले हैं। तथा अगर यहाँ के लोकसभा सीटों के बारे में बात करें, लोकसभा सीटें, तो लोकसभा और राज्यसभा की मिजोरम में एक एक सीटें हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा की एक एक सीटें हैं। तथा अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें, विधान परिषद यहाँ उपस्थित है नहीं, तथा विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं, विधानसभा की कुल 40 सीटें। दोबारा देखें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तथा अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो जोरमथंगा है, जो एमएनएफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट। तथा अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो पीएस श्रीधरन पिल्ले हैं। तथा मिजोरम की लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की एक एक सीटें हैं। तथा अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं। तथा अगर यहाँ की हाईकोर्ट देखें तो यहाँ पे हाईकोर्ट गुवाहाटी लगता है, मिजोरम में हाईकोर्ट। तो यहाँ पर हाईकोर्ट वैसे है नहीं, यहाँ पे गुवाहाटी हाईकोर्ट ही लगता है जो असम में है, असम। अगर देखें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर 4 राज्यों के हाईकोर्ट है। देखें तो अरुणाचल प्रदेश का भी गुवाहाटी में लगता है, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी में, असम का गुवाहाटी में, मिजोरम का गुवाहाटी में, वह नागालैंड का हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में लगता है। तथा अगर यहाँ के हाईकोर्ट की, इसकी गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ के कुल 40 जज है, जजों की संख्या 40 है। तथा वर्तमान में अगर गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस है अजय लांबा। अगर हाईकोर्ट तो मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट ही लगता है जो असम में स्थित है। अगर और राज्य की बात करें गुवाहाटी हाईकोर्ट, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मिजोरम, इन चारों राज्यों का हाईकोर्ट गुवाहाटी में लगता है। तथा गुवाहाटी हाईकोर्ट जजों की बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में कुल 24 जज है, पर यहाँ के चीफ जस्टिस यानी मुख्य जज की बात करें तो अजय लांबा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों आगे हम अगर भाषा की बात करें, मिजोरम की भाषा, तो आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पे मिजो भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अन्य भाषा देखें, मिजोरम की प्रमुख भाषा सर्वाधिक तो इस्तेमाल यहाँ मिजो है, ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो है। तथा इनके अलावा अगर एडिशनल लैंग्वेज बात करें तो सेकंड नंबर पे अंग्रेजी, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, तथा हिंदी मिजोरम की प्रमुख भाषा।
तथा अगर यहाँ के अगर पर्यटन स्थल की बात करें, प्रमुख घूमने के लिए पर्यटन स्थल, तो यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है तो डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व और वातवांग फॉल्स है जलप्रपात, सिबुता लुंग स्थान है, एक सिबुता लुंग स्थान है तथा तुआलसांग, तुआलसांग स्थान। अगर यहाँ की पर्यटन की बात करें तो डंपा टाइगर रिजर्व, वातवांग फॉल्स, सिबुता लुंग और तुआलसांग यहाँ की अगर बात करें पर्यटन के घूमने के स्थल हैं। अगर यहाँ की अगर जनजाति की बात करें, मिजोरम की कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक ही जनजाति है चकमा, चकमा जनजाति जो बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म को मानती है। अगर यहाँ झील की बात करें तो यहाँ झील भी एक ही झील है पलक झील, पलक झील। देखते हैं अगर मिजोरम की बात करें, भाषा की बात करें तो मिजोरम में मिजो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडिशन लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर पर्यटन की बात करें तो डंपा टाइगर रिजर्व, वातवांग फॉल्स, सिबुता लुंग और तुआलसांग यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। तथा अगर यहाँ की जनजाति की बात करें तो प्रमुख जनजाति चकमा जनजाति जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तथा झील की बात करें तो यहाँ पलक झील है। तथा अगर यहाँ की अगर प्रमुख नदियों के बारे में देखें तो मिजोरम की नदियां, तो सबसे पहले नदियों के बारे में बात करें तो तवांग, सोनाई, यानी अगर बात करें तवांग, सोनाई, तुईवाल आदि प्रमुख नदियां हैं। मिजोरम की प्रमुख नदियों की बात करें, ज्यादा बड़ी नहीं है पर ये छोटी मोटी नदियां हैं, तुआंग, सोनाई, तुईवाल आदि यानी अगर प्रमुख नदियां। तथा नेशनल पार्क की बात करें, मिजोरम के प्रमुख नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान व फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन। ये घूमने लायक है फांगपे नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, यहाँ पे दो नेशनल पार्क। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो डंपा टाइगर रिजर्व। लेकिन यहाँ की प्रमुख नदियां तो तवांग नदी, सोनाई नदी, तुईवाल नदी। तथा अगर यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुरलेन नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क है, इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं फांगपुई नेशनल पार्क। तथा टाइगर रिजर्व की बात करें तो डंपा टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है। और भी अगर यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें मिजोरम के बारे में, तो अगर भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखें तो मिजोरम में है। फैक्ट देखें, सर्वाधिक वन क्षेत्र, एग्जैक्ट 90% वन क्षेत्र भारत में, अगर हिस्से राज्य में है तो मिजोरम में है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र, तब क्षेत्र के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में। परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक 90% मिजोरम में वन क्षेत्र, अगर क्षेत्र के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। तथा और अगर देखें फैक्ट तो मध्य प्रदेश से करक रेखा होकर गुजरती है, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है करक रेखा, और उसमें एक मिजोरम है। और आगे अगर बात करें मिजोरम की साक्षरता दर है जो 91.58% है, जो केरल के बाद सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, तथा केरल के बाद अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो भारत में सेकंड पोजीशन पे है साक्षरता दर में। तथा अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत में इसकी जनसंख्या है, मिजोरम की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है,
और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, तो सेकंड लोवेस्ट जनसंख्या मिजोरम की है, सेकंड लोवेस्ट जनसंख्या मिजोरम की है। सबसे कम अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सिक्किम की जनसंख्या कितनी 6 लाख और 10 लाख मिजोरम की सेकंड लोवेस्ट। तालिब साक्षरता की बात करें तो सेकंड नंबर पे था साक्षरता में, फर्स्ट नंबर पे केरला साक्षरता मामले में सर्वाधिक साक्षरता था। मिजोरम से करे करे का होकर गुजरते जो भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरते उसे मिजोरम एक राज्य। अगर वन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र भारत का मिजोरम में 35% के आधार पे, तथा क्षेत्र के आधार पर बात करें तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये थी मिजोरम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट तथा शेयर करना मत भूलें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अध्ययन करेंगे उड़ीसा के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।